हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआईसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रकार है, ठीक है। इसे इसका पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट के नाम जानते हैं, या फिर आप इसे एमएस पावर पॉइंट भी कह सकते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें इंफॉर्मेशंस को स्लाइड्स के फॉर्मेट में शो किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन में आप फोटो ले सकते हैं, आवाज़ ले सकते हैं, उसको ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रिंट, ये आदि सब कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। इसका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रेजेंटेशन को शो कराने के लिए, एजुकेशंस में प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, हैंडआउट, स्लाइड, सभी प्रकार के मटेरियल को इकट्ठा करके प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। इसका यूज़ आप कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के रूप में भी चला सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल में भी कर सकते हैं। अब पावर पॉइंट को स्टार्ट करने की प्रोसेस, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग होता है पावर पॉइंट, तो इसमें पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे ये आपका, इसके बाद स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, उसको रन करते हैं तो क्या होता है, पावर पॉइंट की विंडो हमारी ओपन हो जाती है इस प्रकार से। इसके बाद है, यदि हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपके पास, न्यू प्रेजेंटेशन विंडो आती है जिसमें आपको कितनी प्रेजेंटेशन तैयार करना है उसके हिसाब से हम स्लाइड्स लेते हैं। उसमें हमें क्या ऐड करना है, साउंड, पिक्चर, मूवी, टेक्स्ट आदि को इंसर्ट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, यदि और स्लाइड बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्लाइड्स और ले सकते हैं, स्लाइड शो से आप स्लाइड शो करवा के देख सकते हैं, या फिर यदि हमें प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स और यूज़ करनी है तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की होती है न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने की, तो उससे अपन ओपन भी कर सकते हैं। स्लाइड्स क्या होती है? जैसे एमएस वर्ड में पेज होता है, एक्सेल में वर्कशीट होती है, उसी तरह एमएस पावर पॉइंट के जो पेज होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। इसमें हम हमारे डाटा को डालकर आराम से काम कर सकते हैं। बहुत सारी स्लाइड को मिलाकर एक स्लाइड शो बनता है या प्रेजेंटेशन बनता है। 8-10 स्लाइड से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं आप। पावर पॉइंट की विशेषताएँ, पावर पॉइंट किसी न किसी सॉफ्टवेयर में किसी न किसी प्रकार की विशेषताएं जरूर होती है, जैसे कि प्रेजेंटेशन में आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, मूवीज ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में आप टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, एनिमेशन आदि की सुविधा मिलती है आपको। आप इस प्रेजेंटेशन के रूप में डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी वीडियो या ऑडियो आसानी से चला सकते हैं। इसमें लाभ ये होता है कि सॉफ्टवेयर को आप नहीं देख सकते। इसमें अपनी स्लाइड्स को अलग प्रकार की थीम्स मिल जाती हैं जिससे आपकी स्लाइड और अधिक अच्छी दिखने लगती है, लुक अच्छा दिखता है उसका। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट की तरह से ही फंक्शन मिलते हैं, पर बिल्कुल उसी तरह से हम इसे में भी आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं जिससे आप आसानी से अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट। अब इसमें ओपन कैसे करना है आपको? पावर पॉइंट में यदि आपने कोई पेज बना लिया है, एनिमेशंस डाल दिए हैं, शो करना है, तो उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा पावर पॉइंट को। तो उसके सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा न्यू और ओपन। ओपन पर क्लिक करेंगे तो उससे ओपन पर क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगी इस प्रकार की, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा और सेलेक्ट करेंगे आपको एक नई प्रस्तुति दिखाई देगी। ये होम पे गए, यहाँ फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा ओपन का, तो अपन ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पुरानी फाइल जो है, पुराना प्रेजेंटेशन वो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यदि आप चाहें तो न्यू प्रेजेंटेशन का भी यूज़ करके उसको नया बना सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर अवर वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।